भारत जोड़ो न्याय यात्रा को लेकर ग्राम लगेर पहुंचे राहुल गांधी का छत्तीसगढ़ की पारंपरिक लोक नृत्य के साथ हुआ ऐतिहासिक स्वागत। शक्ति से होते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी की न्याय कोरबा जिले के ग्राम लबेर से होते हुए हजारों गाड़ियों की काफिले के साथ तुमान तिलक की जाप भव्य स्वागत के बाद फूल माला आरती कांग्रेसी कार्यकर्ताओं सहित जिले वासियों ने छत्तीसगढ़ प्रदेश की पारंपरिक लोक नृत्य की झमाझम प्रस्तुति के साथ स्वागत किया एवं पारंपरिक लोक नृत्य सप्तरंगी छटा बिखेर दिया। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी का स्वागत किया गया। वहीं राहुल गांधी खुली गाड़ी में लोगों से रूबरू होते हुए अभिवादन स्वीकार करते रहे। महिलाओं के द्वारा फूलों की वर्षा एवं आरती की थालियां से आरती उतारकर भव्य स्वागत किया गया। आपको बता दें कि राहुल गांधी आज रात्रि भैंसवा में रुकेंगे, जहां अपनी सुरक्षा टीम के साथ कोरबा जिले सहित छत्तीसगढ़ की पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में लगी हुई है। राहुल गांधी के काफिले में 10 किलोमीटर तक गाड़ियों की लंबी लाइन की कतार लगी है, जहां लोग सड़कों के सामने खड़े होकर हाथ हिलाकर राहुल गांधी का स्वागत करते दिखाई दिए। वहीं खुले गाड़ी में चल रहे राहुल गांधी भी लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन स्वीकार करते नजर आए। अपने करीब राहुल गांधी को पाकर लोगों में भारी उत्साह नजर आया और लोग राहुल पुकारते भी नजर आए। वहीं इसी दौरान लबेर तुमान तिलकेजा भैंसवा की सड़कों पर लोगों का जड़ सैलाब उमड़ पड़ा। कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। नमस्कार, आप देखते हैं इंडिया कवर 24 न्यूज, मैं हूँ चित्रलेखा श्रीवास। आज हम पहुँचे हैं भारत जोड़ो न्याय यात्रा ग्राम पंचायत लबे में। यहाँ पर कुछ कांग्रेस के कार्यकर्ता मौजूद हैं, उनसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध में चर्चा करेंगे। आइए उनसे चर्चा करते हैं। सर बताएंगे, अभी जो है राहुल गांधी शक्ति से निकल गए हैं और भारत जोड़ो न्याय यात्रा सर्वप्रथम यहाँ पे लबेद में उनकी पद यात्रा शुरू होगी, तो उस संबंध में बताएंगे सर। नफरत की दुकान में मोहब्बत के बाजार खोलने आए हैं राहुल गांधी, जिंदाबाद राहुल गांधी, जिंदाबाद। अपना परिचय बताएंगे। मैं संतोष कुमार लकड़ा जी, कोरबा जनपद सदस्य हूँ चचिया से। देखिए मैडम, ये तो मोहब्बत की दुकान है, खुल गया खुलता ही रहेगा, ये फैलता जाएगा पूरे देश में हमारे। भारत जोड़ो न्याय का क्या उद्देश्य है सर, बताएंगे इसके बारे में डिटेल में। मैं एक शब्द ही बोल दिया, नफरत के दुकान में क्या बोलते हैं मोहब्बत का बाजार। हम एकता की मिसाल देना चाहते हैं, राहुल गांधी जी एकता की मिसाल देना चाहते हैं, हम सब कांग्रेसी एकता की मिसाल देना चाहते हैं। भाई भाई चला लाना चाहते हैं सबके बीच में, कोई जाति नहीं, कोई धर्म नहीं, सब एक। हमारे वही संदेश है, हम सब भारतीय एक हैं, सब हिंदुस्तानी हैं। कांग्रेस पार्टी जिंदाबाद। अपना परिचय बताएंगे सर। मैं प्रशांत सिंह मेरा नाम है जी। और मैं कांग्रेस छोटा सा कार्यकर्ता हूँ। और बताइए, ग्राम पंचायत लबेद में भारत जोड़ो न्याय यात्रा में यहाँ पर कार्यकर्ता लोग मौजूद हैं, उनसे भारत जोड़ो न्याय यात्रा के संबंध में चर्चा करते हैं। सर अपना परिचय बताएंगे। संतोष कुमार देवांगन जी, मैं माननीय ज्योतना चरण दास मान जी का संसद प्रतिनिधि करतला क्षेत्र से। माननीय राहुल गांधी जी का छत्तीसगढ़ में आना हम लोग के लिए बहुत सौभाग्य की बात है। माननीय राहुल गांधी जी जो है देश के युवा धड़कन हैं, आज हमारे देश के सभी युवा भाइयों बहनों के लिए वे अपनी दरवाज़ा खोल दिए हैं और उससे हमारे युवा में जो शक्ति ऊर्जा उनसे प्राप्त हुई है वे आज हमारे राम भाटा के लबेद ग्राम में देखने को मिला। माननीय राहुल गांधी जी को देखने के लिए जन सैलाब उमड़ा था और लोकबाग जोश खरोश के साथ उनके स्वागत के लिए सभी खड़े थे, सभी नारे लगाए और उनकी यहाँ जो भव्य जय जयकार हुई वे आज पूरे प्रदेश और हमारे छत्तीसगढ़ के लिए गौरव की बात होगी। उनके साथ प्रदेश की सभी हमारे जो उच्च स्तरीय के जो नेता है वे साथ में चल रहे हैं। हमारे माननीय पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी और हमारे इस क्षेत्र के सांसद महोदया ज्योत्सना चरण दास महंत जी, दीपक बैज जी, हमारे प्रतिपक्ष के नेता माननीय डॉक्टर चरण दास महंत जी, जय सिंह अग्रवाल जी, मनहरन राठौर जी और हमारे जिला कांग्रेस कमेटी के
जायसवाल जी सभी साथ में चल रहे हैं। और आज हमारे रामपुर विधानसभा क्षेत्र के जो जाबाज विधायक फूल सिंह राठिया जी भी साथ में हैं, इससे हमें बहुत गौरव और गौरवान्वित महसूस हुआ। हमारे दिल में ऊर्जा भरा है माननीय राहुल गांधी जी के आगमन से। हम चाहते हैं कि आने वाला समय में लोकसभा चुनाव में सख्ती के साथ उभरेगा। इन्हीं के साथ धन्यवाद। मैं अमर खांडे हूँ और माननीय विधायक फूल सिंह राठिया जी का मैं विधायक सभा में विधायक। अभी ग्राम पंचायत लबेट में आपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा में शामिल हुए हैं, आप उस पर क्या विचार रखते हैं? आज ग्राम लबेट में हमारे कांग्रेस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष, पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं वर्तमान सांसद बहुत ही सम्मानीय राहुल गांधी जी का आगमन हुआ था। इसमें हमारे रामपुर विधानसभा के साथ साथ पूरे प्रदेश के बड़े नेता, शीर्ष नेता और सब लोग यहाँ मौजूद थे और यहाँ लगभग 10,000 लोगों के भीड़ के साथ उसका स्वागत किया गया था, जिसमें सुवर्णित कर्मनित झमाझम उसका स्वागत अभिनंदन किया गया। और हम लोगों का बहुत बड़ा सौभाग्य है कि हमारे देश का कांग्रेस पार्टी का नेता और भविष्य का हमारा देश का प्रधानमंत्री माननीय राहुल गांधी जी का आगमन हुआ। और हम युवा हैं और हमारे देश में युवाओं का आबादी 70% है, तो हम लोग अपना भविष्य का जो है बागडोर राहुल गांधी जी के हाथों में देखना चाहते हैं। हम उसको सरकार में देखना चाहते हैं और उसके जो नीति, जो सोच है भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो, भारत तो जोड़ ही रहा है, हर कोने कोने में पहुँच रहे हैं। और प्लस न्याय यात्रा नाम दिया गया है, महिलाओं को, गरीबों को, यानी सभी क्षेत्रों में लोग इतना त्रस्त हैं भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, ये भारत देश को निजी हाथों में बेच दिया है और धीरे धीरे और इसका स्थिति ख़राब होता ही जा रहा है। अभी कल ही के पेपर में आया था हमारे लैंको पावर प्लांट का, वो अडानी को बेच दिया 4,100 करोड़। तो इनका काम है, खरीद बिक्री करते हैं और हमारे भारत देश के लोग कहीं ना कहीं इतना पताल में नीचे निकल रहे हैं जिसका हम लोग सोच भी नहीं सकते। अभी तो शुरू हुआ है और यहाँ के माननीय मुख्यमंत्री जी जो बने हैं विष्णुदेव साय जी और सभी लोगों को आदिवासी मुख्यमंत्री दिए हैं करके लाली पॉप दिए, उसके बाद वो जंगल का कटाई चालू हो गया है और अभी तक बहुत वहाँ आदिवासी भाई लोग धरने में बैठे हैं 10-20 हज़ार लोगों की संख्या में। आज तक ना उसको कोई मीडिया दिखा रहा है, ना कोई सोशल मीडिया दिखा रहा है, ना कोई प्रिंट मीडिया पेपर में छाप रहा है। ये बड़ा ही दर्दनाक है हमारे लिए, क्योंकि हमारा जल, जंगल, ज़मीन को नुकसान किया जा रहा है। और हमारे रामपुर विधानसभा में भी अभी सर्वे हो चुका है 3 कोल ब्लॉक का, वो भी अडानी को जा रहा है। तो ये जो भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है देश को बर्बाद करने के लिए वचनबद्ध है जी जी, और हमारे कांग्रेस पार्टी ने जो देश में शासन किया, गरीबों के लिए बहुत योजना चलाए, जो वो किया ये 7 जन्म में नहीं कर सकता जी। इसलिए आप सभी से आग्रह है, निवेदन है कि आगामी चुनाव में हमारे कांग्रेस पार्टी को बहुत ही निष्पक्ष और निस्वार्थ मत से उनको सभी प्रत्याशी को विजयी बनाए और हमारे भारत देश भारतीय जनता पार्टी को 100 सीट में समेट देंगे। और हमारे छत्तीसगढ़ में जितने भी लोकसभा सीट है सब में कांग्रेस बहुत बहुमत से चुनाव जीत कर यहाँ से भेजेंगे सांसद लोगों को। और हमारे साथ युवाओं का भरोसा है, राहुल गांधी जी ने देश की बात की और उसके बाद किसी व्यक्तिगत बात नहीं हुआ आज तक हो गया, वो जब भी बात किया है नीतिगत बात किया है, विचारधारा के लोग हैं, हम उनसे जुड़े हैं और हम अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस करते हैं कि हमारे क्षेत्र में उनका आगमन हुआ है और हम लोग बहुत ही हर्षोल्लास से और हम लोग जोश से भरे हुए हैं। आने वाले लोकसभा चुनाव में क्या भारत जोड़ो न्याय यात्रा क्या सफल हो पाएगी? क्या राहुल गांधी जी का बहुत सफल होगा और सभी जगह इतना रिस्पांस मिल रहा है लोगों का, आप नागालैंड के वीडियो देखे होंगे, वहाँ तो पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, इतना भीड़, सभी जगह लोगों का भीड़ आ रहा है। ये जो भीड़ है किसी का पैसा देकर या किसी को कुछ प्रलोभन देकर बुलाया हुआ भीड़ नहीं है, ये लोग उनसे जुड़े हुए हैं, निस्वार्थ भाव से आए हुए लोग हैं। तो हमको उम्मीद है कि इनका मत हमें प्राप्त होगा और पूर्ण बहुमत से हम केंद्र में सरकार बनाएंगे।